हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 6 की शुरुआत में चंगसाओ के कुलीग्स शिमु से कहने लगते हैं कि क्या आप डायरेक्टर जियांग को सी ऑफ करने के लिए आई हैं। शिमु जल्दी से चंगसाओ के पास आकर कहने लगती है कि हाँ, मैं इसको सी ऑफ करने के लिए आई हूं। और इनके बारे में पूछने लगती है तो ये कहता है कि हम एक मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए हम चंगसाओ को पिक करने के लिए आ गए। हमें नहीं मालूम था कि आप भी यहीं पर हैं। ये सुनकर शिमु हंसते हुए कहती है कि डायरेक्टर जियांग ने मुझे भी नहीं बताया कि तुम लोग आने वाले हो। चंगसाओ कहता है कि कोई बात नहीं, हमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ये कहकर इनके साथ यहाँ से चला जाता है। अब चंगसाओ प्रपोजल देखते हुए कहने लगता है कि शंगशन का प्रपोजल कहाँ पर है, तो इसका मैनेजर कहता है कि उनका प्रपोजल मिस्टर जेन ने रिजेक्ट कर दिया है। ये कहने लगता है कि मिस्टर जेन चाहते हैं कि हम इसी कंपनी के साथ काम करें, लेकिन चंगसाओ को इस कंपनी का प्रपोजल अच्छा नहीं लगता। आज शिमु के टीम लीडर बहुत अपसेट दिखाई दे रहे होते हैं, तो ये उसी टीम लीडर से पूछती है कि आपको क्या हुआ है। तो टीम लीडर इनको बताते हैं कि अब चंगसाओ की कंपनी हमारे साथ काम नहीं करेगी। कहते हैं कि मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने हमारे प्रपोजल देखने की भी जहमत नहीं की। ये सुनकर बाकी सब भी बहुत अपसेट हो जाते हैं। अब शिमु को चंगसाओ की सुबह वाली बातें याद आती है, तो ये मिस्टर लाओ से कहती है कि हो सकता है कि प्रपोजल मेरी वजह से रिजेक्ट हुआ हो। रात में शिमु ने चंगसाओ के लिए खाना बनाया होता है। जैसे ही घर आता है तो शिमु चंगसाओ से कहती है कि ये खाना मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। चंगसाओ कहने लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खाना मजे का होगा। शिमु कहती है कि ये वाकई में मजे का है। चंगसाओ को यकीन दिलाने के लिए अपना बनाया हुआ खाना जब टेस्ट करती है तो उसको रियलाइज होता है कि इसका टेस्ट तो वाकई में अच्छा नहीं है। चंगसाओ कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन जहाँ तक बात है प्रपोजल की, तो वो मेरी कंपनी के किसी इश्यू की वजह से रिजेक्ट हुआ है। मैं तुम लोगों के प्रपोजल वाले मसले को डील कर रहा हूँ, तुम अभी ये बात अपने कोलीग्स को मत बताना। शिमु इससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे तुमसे बात किए बगैर ये नहीं सोचना चाहिए था कि तुमने हमारा प्रपोजल जानबूझ के रिजेक्ट किया है। चंगसाओ कहता है कि कोई बात नहीं, अब सॉन्ग नियान की नई स्क्रिप्ट कंपनी को पसंद तो आ जाती है, लेकिन ये कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन तुम्हें लव स्टोरी पर थोड़ा और काम करना होगा। अब ये यही मसला शिमु के साथ डिस्कस कर रही होती है कि मुझे कभी भी किसी से प्यार नहीं हुआ, इसलिए मैं लव स्टोरी को ज्यादा अच्छे से नहीं लिख पाती। शिमु कहती है कि भी तुम्हें एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए डेट्स पर जाना चाहिए, लेकिन सॉन्ग यान को ये आइडिया पसंद नहीं आता। शिमु इसको ये मशवरा देती है कि फिर तुम्हें जाकर रोमांटिक ड्रामा देखने चाहिए। सॉन्ग यान अब कैफे में आकर रोमांटिक ड्रामा देख रही होती है, लेकिन इसको देखते हुए बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है। इतने में शैनिस के पास आकर बैठ जाता है, तो सॉन्ग यान इसको अचानक देख कर डर जाती है, कहती है कि तुम मुझे डरा क्यों रहे हो। शनि कहता है कि रात हो गई, मुझे अब शॉप बंद करनी है। शनि से पूछता है कि क्या तुम्हारी प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग अच्छी नहीं रही। सोंगनियन इससे पूछते है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। शनि कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो। सोंगनियन कहती है कि तुम लड़कों के पर्सपेक्टिव से बताओ कि क्या तुम मुझे पसंद करोगे। ये सवाल सुनकर शनि थोड़ा नर्वस हो गया होता है। सोंगनियन से कहता है कि तुम्हें मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। सोंगनियन कहती है कि अगर मुझे कभी प्यार हो जाता तो आज मेरी लव स्टोरीज इतनी बुरी नहीं होती। ये सुनकर शनि हंसने लगता है कि तुम हमेशा से सिंगल रही हो। इसको हंसता हुआ देख कर सोंगनियन थोड़ा गुस्से से देखती है, तो शनि कहता है कि तुम्हें किसी एक्सपीरियंस इंसान से बात करनी चाहिए। सोंगनियन कहती है कि काफी अच्छा आइडिया, मैं जाकर चंगसाओ से बात करती हूँ। शनि कहता है कि उसको भी तुम्हारी तरह कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। सोंगनियन कहती है कि फिर मैं किससे बात कर सकती हूँ। अब शनि सोंगनियन को इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। सोंगनियन हैरान होते हुए कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। शनि कहता है कि हाँ। ये सोंगनियन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम हल करने के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अगली सुबह ये दोनों बाहर आ जाते हैं। शनि सोंगनियन के साथ अपनी पिक्चर खींचता है। सोंगनियन कहती है कि क्या ये करना जरूरी है। शनि कहता है कि प्यार मोमेंट्स का ही तो नाम है, तुम्हें इन मोमेंट्स को फील करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद शनि सोंगनियन को लेकर हॉन्टेड हाउस में आ जाता है। ये इसको ये एक्सपीरियंस करवाना चाह रहा होता है कि जब एक लड़की डरती है तो उसके बॉयफ्रेंड के साथ होने की वजह से वो सेफ फील करती है, लेकिन जैसे यहाँ पर भूत दिखाई देता है तो शनि इस भूत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, और सोंगनियन तो बिल्कुल नॉर्मली दिखाई दे रही होती है। फिर शनि सोंगनियन को अपने साथ ट्रिप पर ले आता और कहता है कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर खींचता है। ये सोंगनियन की पिक्चर्स खींच रहा होता है। जब ये पिक्चर सोंगनियन को दिखाता है तो उसने बहुत ही बुरी पिक्चर्स खींची होती है। ये देखकर सोंगनियन और शनि का झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। वापस आने के बाद सोंगनियन कहती है कि तुम तो अपने आप को एक बहुत एक्सपीरियंस इंसान कहते हो, लेकिन मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ। शनि कहते हैं कि थ्योरेटिकली तो कोई मसला नहीं है, मसला तो मुझे तुम में लगता है। ये सुनकर सोंगनियन कहती है कि मुझे तुमसे मशवरा नहीं लेना चाहिए, बल्कि ऑनलाइन ही कुछ सर्च कर लेना चाहिए। सोंगनियन जब इंटरनेट पर सर्च करती है तो वहाँ पर सारी चीजें लिखी आ रही होती हैं जो इसने शनि के साथ की होती हैं। सोंगनियन कहती है कि तुम्हारी मुझसे
झूठ बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई। शनि कहता है कि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, हम दोनों एक जैसे हैं। ये कहकर शनि भाग जाता है। आज मिस्टर लॉ इनको बता रहे होते हैं कि अब ये लोग दूसरे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं और इन प्रोजेक्ट्स में दूसरी टीम की मेंबर्स भी इनकी मदद करने वाली हैं। यूसी शौके से कह रही होती है कि ये फैंग जिंगजिंग की शुमू से बिल्कुल नहीं बनती, आखिर ये हमारी टीम में क्या करने के लिए आई है। शौके कहता है कि ये चांगजाओ की कंपनी के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते थे लेकिन बदकिस्मती से वो प्रोजेक्ट हमें मिला ही नहीं। मिस्टर लॉ कहते हैं कि अगले प्रोजेक्ट में शुमो और फैंग जिंगजिंग एक साथ काम करेंगी। फैंग जिंगजिंग शुमो को बोलने का मौका ही नहीं देती और मिस्टर लॉ से कहती है कि हम दोनों अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये दोनों सब काम कर रही होती है तो फैंग जिंगजिंग कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो मुझे ही मिलने वाला है। अब मिस्टर सिंह यहाँ पर आ जाते हैं। फैंग जिंगजिंग कोशिश कर रही होती है कि शुमो तो मिस्टर सिंह से बात ना ही करे। शुमो मिस्टर सिंह को जब अपना प्रपोजल दिखाती है तो फैंग जिंगजिंग कहती है कि मैं पहले ड्रिंक कर लेना चाहिए। मिस्टर सिंह जब इसकी बात मान जाते हैं तो शुमो देखती है कि फैंग जिंगजिंग ने इसका प्रपोजल अपने पास रख लिया है। डिनर के दौरान फैंग जिंगजिंग अपनी मीठी बातों से मिस्टर सिंह को मनाने की कोशिश कर रही होती है कि आपको प्रोजेक्ट मुझे ही देना है। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से शुमो के स्टमक में दर्द हो रही होती है। दूसरी तरफ चांगजाओ भी डिनर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर आया होता है। अब चांगजाओ जो बाथरूम के लिए जा रहा होता है तो फैंग जिंगजिंग इसको देख लेती है, कहने लगती है कि मैं शुमो की कुलीग हूँ। चांगजाओ कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो इसको बताने लगती है कि आपने तो हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया है तो हम यहाँ पर मिस्टर जेंग से बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आए हैं। फैंग जिंगजिंग चांगजाओ से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि आपने सही फैसला किया है क्योंकि शुमो में बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है। ये बात सुनकर चांगजाओ को बहुत बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ मिस्टर सिंह शुमो को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। शुमो मिस्टर सिंह को मना करते हुए कहती है कि अगर मैंने ये ग्लास भी पी लिया तो मुझे डर है कि मुझे अपने प्लान्स भूल जाएंगे। लेकिन मिस्टर सिंह कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगे फिर ही मैं तुम्हारा प्रपोजल देखूंगा। ये सुनकर शुमो को ड्रिंक करना ही पड़ता है लेकिन मिस्टर सिंह तो शुमो को एक और ग्लास पीने के लिए कह रहे होते हैं। शुमो की तबीयत खराब हो जाती है इसलिए जल्दी से बाथरूम के लिए भाग जाती है। शुमो यहाँ पर फैंग जिंगजिंग को देख लेती है। ये चांगजाओ से इसकी बुराइयां कर रही होती है। फैंग जिंगजिंग कहती है कि जिस तरह की पर्सनालिटी शुमो की है वो आपको डिजर्व नहीं करती, अच्छा है आपने उसे ब्रेकअप कर लिया है। चांगजाओ कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा है कि मैंने शुमो से ब्रेकअप किया है। फैंग जिंगजिंग प्रपोजल के बारे में पूछ लगती है तो चांगजाओ कहता है कि मैं अपने काम और पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ। ये सुनकर फैंग जिंगजिंग यहाँ से चली जाती है। शुमो चांगजाओ से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चांगजाओ कहते हैं कि मैं डिनर के लिए आया था। इतने में ही मिस्टर सिंह शुमो को फिर से ड्रिंक करने के लिए बुला रहे होते हैं। शुमो की हालत देखकर चांगजाओ कहता है कि हम घर चलते हैं। शुमो कहती है कि हमें तुम्हारी कंपनी का भी प्रोजेक्ट नहीं मिला, अब मैं ये प्रोजेक्ट खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। अब चांगजाओ शुमो को लेकर अंदर आ जाता है। मिस्टर सिंह चांगजाओ को यहाँ पर देखकर बहुत खुश जाते हैं और बैठने के लिए कह रहे होते हैं लेकिन चांगजाओ कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। ये सुनते ही मिस्टर सिंह तो बहुत ही ज्यादा नाइसली शुमो से बात करने लगते हैं, कहते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, और ये शुमो से सॉरी करने लगते हैं। चांगजाओ कहता है कि कोई बात नहीं, ये शुमो को यहाँ से लेकर चला जाता है। घर पर आकर शुमो चांगजाओ को थैंक्स कर रही होती कि अगर तुम वहाँ पर नहीं आते तो शायद अभी तक मुझे उनके साथ ड्रिंक करना पड़ रहा होता। चांगजाओ इसको सूप देता है। शुमो जब ये सूप ट्राई करती है तो कहती है कि तुम वाकई में बहुत अच्छे कुक हो। चांगजाओ कहता है कि अब्रॉड रहने की वजह से मुझे कुकिंग सीखनी पड़ी। शुमो कहती है कि मेरी मॉम भी मुझे बहुत फोर्स करती है लेकिन मैं ऐसा खाना नहीं बना पाती। चांगजाओ कहता है कि तुम्हें खाना बनाना सीखने की कोई जरूरत नहीं है। शुमो कहने लगती है कि तो क्या तुम सारी जिंदगी मेरे लिए खाना बनाने वाले हो। ये कहकर ही चलती से सूप पी लेती है जिसकी वजह से इसकी जुबान जल जाती है। ये देखकर चांगजाओ कहता है कि तुम्हें आराम से पीना चाहिए। ये शुमो को बताता है कि मैंने प्रपोजल वाला मसला हल कर लिया, तुम्हें बस अच्छी खबर का इंतजार करना है। अगले सुबह मिस्टर लॉ अपनी टीम को ये खुशखबरी दे देते हैं कि इनको चांगजाओ की कंपनी का प्रपोजल मिल गया है। आज सोनिया देखती है कि एक बच्चा शनि के स्वेटर का धागा खींच रहा है। शनि इसको मना भी कर रहा होता लेकिन ये बच्चा रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। ये देखकर सोनिया इस बच्चे के पास आते हैं, उसको गुस्से में कहती है कि तुम इसको छोड़ दो। ये सुनकर ये बच्चा रोने लगता है। इतने में इसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं तो ये अपने डैड से शिकायत करता है कि ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। इसके डैड कहने लगते हैं कि तुम इस बच्चे को तंग क्यों कर रहे हो। सोनिया कहने लगती है कि आपका बेटा शनि को तंग कर रहा था लेकिन इसके डैड कहे जा रहे होते हैं कि वो तो बच्चा है। सोनिया बहुत अच्छे से शनि की साइड ले रही होती है। ये देखकर इस बच्चे का डैड कहने लगता है कि मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ स्वेटर के लिए, अपने पॉकेट से पैसे निकालते तो सिर्फ 60 यौन ही होते हैं। ये देखकर सोनिया 200 यौन देते हुए कहती है कि ये तुम्हारे बेटे के इमोशनल डैमेज के लिए। ये कहकर सोनिया शनि का हाथ पकड़ते उसको यहाँ से लेकर जाने लगती है। आज सोनिया को ऐसे देखकर शनि को काफी अच्छा लग रहा होता है। एक्चुअल में ये बच्चा शनि के टीम लीडर का होता है तो सोनिया इसे कहने लगती है कि क्या ये पार्ट टाइम जॉब करना तुम्हारे लिए इतना ही जरूरी है। शनि कहता है कि हाँ बस मुझे 3 महीने ही तो काम करना है। ये अपने डैड के बारे में इसको बताने ही वाला होता है तो सोनिया कहती है कि अगर तुम्हारे डैड को इस सब के बारे में मालूम होगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा। शनि कहता है कि अगर
मेरे डैड को इस सब के बारे में मालूम हो जाए तो वो मुझे बहुत डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। सोंगनेम कहते कि मैं समझती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत सारी जॉब्स करना जरूरी है, लेकिन तुम्हें कल ही इस जॉब से रिजाइन देना होगा। दूसरी जॉब ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चनी कहते लेकिन मैं यहीं पर काम करना चाहता हूँ, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वो मुझे पैसे दें या ना दें। ये सुनकर सोंगनेम गुस्सा हो जाते, कहने लगते कि तुमसे बात करना ही फजूल है। ये कहकर ये चली जाती है। अब रात में सोंगनेम इसी बारे में शुमू से बात कर रही होती है कि मिस्टर साउस पर चिल्ला रहे थे, लेकिन चनी ने उनको कुछ भी नहीं कहा। शुमू कहती है कि तुम्हें उसके मसले में नहीं पड़ना चाहिए, अगर तुम्हारी वजह से उसकी जॉब चली गई तो वो क्या करेगा। सोंगनेम कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर मेरे सामने कोई किसी को बुली करे। लेकिन शुमू कहती है कि मुझे काम करना है तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँ। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अब सोंगनेम शनी को कॉल करती है तो शनी का नंबर बंद जा रहा होता है। सोंगनेम कहती है कि क्या ये कहीं चिर तो नहीं हो गया मेरी वजह से। दूसरी तरफ शुमू चंगसाओ के डिनर पर इंतजार कर रही होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।